नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। एमपी में मुख्यमंत्री के रूप में लाडली बहना योजना शुरू करने वाले शिवराज सिंह चौहान अब केंद्र में मंत्री हैं, पर अभी भी महिलाओं युवतियों की हर संभव सहायता करने की बात कहते रहते हैं। वे सभी महिलाओं को लाडली बहना के रूप में ही संबोधित करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री होने के साथ ही शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण विकास मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने देश भर की लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी। रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन आयोजित किया गया। यहां भारी बरसात के बावजूद इतनी महिलाएं आई कि पंडाल छोटा पड़ गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में 11 लाख महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में प्रमाणित किया। सम्मेलन में आई महिलाओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 11 लाख लखपति दीदी प्रमाणित हुई हैं। बहनों के स्व सहायता समूहों के खातों में 2,500 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। बहनों के लिए यह राशि रिवॉल्विंग फंड के रूप में जमा की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी बताया कि स्व सहायता समूहों के खातों में 5,000 करोड़ रुपए बैंकों द्वारा जमा कराए जा रहे हैं। जलगांव से शिवराज सिंह चौहान भोपाल आए और यहां आमजनों के साथ चाय की चुस्कियां ली। उन्होंने भोपाल के रेत घाट में रुककर पान भी खाया। लखपति दीदी योजना में महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। यह ब्याज मुक्त कर्ज होता है। पात्र महिलाओं को कोई ब्याज नहीं देना होता है। सरकार लखपति दीदी योजना का लाभ स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को ही देती है। महिला को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए यह कर्ज राशि दी जाती है। 18 से लेकर 50 साल तक की महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, कोई बहन मजबूर नहीं रहे, किसी बहन की आंखों में आंसू न रहे, हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, और इसलिए उन्होंने लखपति दीदी अभियान चलाया। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने 100 दिन में 11 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प पूरा किया और आज उन्हें प्रमाण पत्र मिल रहे हैं।